Hi guys, myself Yogin Sharma welcomes you in my channel Fair English Classes. Today I am going to teach you how to write report, that is on demand. आज मैं आपको demand पर report कैसे लिखी जाती है उसको बताने जा रहा हूँ. बहुत ही आसान होती है report लिखनी. report लिखने का मतलब क्या होता है, कैसे लिखते हैं report. report हमने जो देखी वो लिख दी. report यही तो होती है. बहुत ही आसान होती है report लिखना. देखिए पहले मैं आपको बता दूँ कि रिपोर्ट हमेशा दो तरह की होती है, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है ऑलरेडी. दो तरह की रिपोर्ट होती है. एक रिपोर्ट होती है गुड, जिसको हम प्रोग्रामिक रिपोर्ट भी कहते हैं. दूसरी होती है बैड रिपोर्ट, जिसको हम एक्सीडेंटल रिपोर्ट कहते हैं. ठीक है, तो गुड रिपोर्ट जिसको प्रोग्रामिक रिपोर्ट भी कहा जाता है और बैड रिपोर्ट जिसको एक्सीडेंटल रिपोर्ट भी कहा जाता है. अब मैं इसकी मार्किंग स्कीम बता दूँ आपको सबसे पहले, क्योंकि मार्किंग स्कीम भी समझनी बहुत ज़रूरी होती है. देखिए रिपोर्ट जो होती है ये वेरियस पोर्ट्स में आती है. कहीं 5 मार्क्स की होती है, कहीं 7 मार्क्स की होती है, कहीं 10 मार्क्स की होती है. हाँ, तो जैसे कि मान लो हम CBSE का एग्जांपल लें, तो CBSE में ये 10 मार्क्स की आती है. जब 10 मार्क्स की आती है तो उसको कैसे हम डिवाइड करते हैं, जो 1 मार्क होता है उसका वो होता है हेडिंग का. 1 मार्क होता है हेडिंग का. 4 मार्क्स होते हैं इसके कंटेंट के 4 मार्क्स होते हैं, और जो बाकी 5 मार्क्स बचे वो किसके होते हैं, एक्सप्रेशन के 5 मार्क्स होते हैं. एक्सप्रेशन में आप क्या देखा जाता है कि आप कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, क्या आप उसके कहीं अकॉर्डिंग ना लिखने की वजह कुछ और लिख रहे हैं क्या, तो उसके मतलब आप रिलेवेंट हैं, कोहरेंट हैं या नहीं है. तो एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें ग्रामेटिकल वे देखा जाता है और अदर एक्सप्रेशंस देखे जाते हैं. तो यदि आपने हेडिंग सही लिखी है, देखो मैं आपको बता दूं, यदि आपने हेडिंग सही लिखी है तो 1 नंबर पक्का हेडिंग, और जो थोड़ा सा मैं बताऊंगा अभी, और 4 मार्क्स का आपका कंटेंट होता है. कंटेंट जो आपने जो उसमें पूछा गया है उसको आप सही लिख रहे हैं तो 4 मार्क्स पक्के. हाँ, एक्सप्रेशन में देखो यदि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है तो 2.5 मार्क्स उसके कट हो जाएंगे, लेकिन वो हमें करनी नहीं है बिल्कुल भी. तो अब हम चलते हैं कि हम कैसे गुड रिपोर्ट को लिख सकते हैं. पहले मैं गुड बताऊंगा, गुड रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है. सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं, और हेडिंग में क्या डाला जाता है, हेडिंग देखिए मोस्टली दी गई होती है. उसमें हेडिंग दी गई होती है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द एनुअल फंक्शन. एनुअल फंक्शन हो गया कोई भी है, जैसे कि ऑन ए कैंप इन विच ब्लड वॉज डोनेटेड, तो जो भी हो सकता है. तो वो हेडिंग है, और लिखने वाला जो इस रिपोर्ट को लिख रहा है उसका नाम यहाँ पर होगा, जैसे कि राम ने लिखा है या रमा ने रिपोर्ट लिखी, हाँ तो उसका नाम होगा. ठीक है, उसके बाद में प्लेस, कौन सी स्थान, और फिर डेट. तो ये इतना हो गया ये. अच्छा, एक बात मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ आपको कि रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट. कौन से टेंस में, सिंपल पास्ट में लिखी जाती है रिपोर्ट, हमेशा ध्यान रखने वाली बात होती है सिंपल पास्ट में. और सिंपल पास्ट बोले तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स होते हैं. हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रिपोर्ट लिखी जाती है, इस बात का ध्यान रखना है. आई एम रिपीटिंग टाइम एंड अगेन. ओके, तो उस रिपोर्ट को लिखेंगे. कैसे लिखनी शुरू करते हैं रिपोर्ट को, सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर डॉट लगाया हुआ है. जो भी इवेंट है, अब मान लो मैं एनुअल फंक्शन का ही बता रहा हूँ आपको कि स्कूल का कोई एनुअल फंक्शन है और उसको किसी तरह से कन्वीन किया जा रहा है. कन्वीन का मतलब आयोजन करना, ऑर्गेनाइज करना. तो इवेंट, हाँ इवेंट का नाम होगा, जैसे द एनुअल फंक्शन वाज कन्वीन्ड या ऑर्गेनाइज्ड बाई, ये स्कूल का नेम आ जाएगा. हाँ, स्कूल नेम कहने का मतलब ऑर्गेनाइजर या कन्वीनर. हाँ, ऑन का मतलब डेट, यहाँ पर डेट पड़ेगी, यहाँ पर हम डेट डालेंगे. और एट का मतलब होता है यहाँ पर हम प्लेस डालेंगे, कहाँ पर. हाँ, इसलिए मैंने इसका एक फॉर्मूला बनाया है, W3 फॉर्मूला. और W3 फॉर्मूला क्या है ये जैसे मैंने इस ओपनिंग में बताया, ओपनिंग में 3 W's का प्रयोग होगा, मीन्स व्हाट व्हेन एंड वेयर.
व्हाट, व्हेन एंड वेयर, समझ रहे ना आप। तो इस 3W के बाद में द इवेंट, इवेंट का नाम, जैसे कि द फंक्शन, एनुअल फंक्शन स्टार्टेड एट, यहां पर हम टाइम डाल देंगे कितने बजे शुरू हुआ, एंड रिमेंड फंक्शनल और कितने बजे तक चला टिल, यहां पर भी टाइम, ठीक है। अब इसमें मैनी स्टूडेंट्स, क्योंकि स्कूल का फंक्शन है, यदि किसी सोसाइटी का होगा तो पीपल आ जाएगा, टुक एन एक्टिव पार्ट इन इट, हाँ एक बिल्कुल, कहने का मतलब यह है कि एक सक्रिय सदस्य के रूप में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब सेकंड जो बात आती है, दूसरी बात जो आती है वो क्या होती है कि इसमें हुआ क्या, व्हाट एंड हाउ हैपेंड, हाँ इसमें भी डब्ल्यू का कार्य है, हाँ इससे भी डब्ल्यू से ही शुरू करते हैं, डब्ल्यू के बारे में सोचते हैं, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, तो उसमें हुआ क्या, ये आपको किस में लिखना है, पास्ट इंडेफिनिट में, कैसे कैसे हुआ, जैसे कि द स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड वेरी एक्टिव एंड पावरफुल पार्ट इन एवरी प्रोग्राम, तो जो भी हम बोलना चाहते हैं, जो भी हम लिखना चाहते हैं, जो कहने का मतलब जो रिपोर्ट होती है, जो जो एक्ट वहाँ पर होता है वो हमें यहाँ पर लिखना है, और मुझे विश्वास है कि आप बहुत आसानी से, क्यों, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में लिखना है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट लगाना है, बस लिखते चले जाओ, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो व्हाट एंड हाउ हैपेंड, कैसे हुआ और कब तक हुआ, तो जो भी इंसिडेंट्स वहाँ पर, जो भी इवेंट्स हुई हैं, जो भी गेम्स हुई हैं, जो भी प्रोग्राम परफॉर्म हुए हैं, वट एवर वॉज परफॉर्म्ड यू हैव टू राइट इन इट, ओके, बट यू हैव टू राइट इन ओनली पास्ट टेंस, केवल पास्ट टेंस में लिखना है। अच्छा जी, उसके बाद में हमें क्या करना होता है, जब हम थर्ड फेज में आते हैं तो ये कंक्लूसिव रिपोर्ट होती है। अब कोई भी जब प्रोग्राम हो रहा है, कोई भी इवेंट है, कोई भी एनुअल फंक्शन है, तो उसमें हमें कोई ना कोई चीफ गेस्ट देखना होगा, है कहीं ना कहीं बिना चीफ गेस्ट के कैसे कर लेंगे, तो हम उसमें लिखेंगे कि द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट केम एज एन एज ए चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट के रूप में, या हम किसी प्लेयर का नाम लिख सकते हैं, या कोई और अदर सेलिब्रिटी हो सकती है तो उसको हम चीफ गेस्ट बना सकते हैं। अब उससे कोई हम स्पीच भी दिलवा सकते हैं, जैसे कि लिखते हैं हम, मान लो कि ही डिलीवर्ड ए वेरी मोटिवेशनल स्पीच, हाँ स्टूडेंट्स के सामने। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं थोड़ा सा इसको इफेक्टिव बनाने के लिए, कि हम पैसिव वॉइस का भी यूज़ कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का ही पैसिव वॉइस का यदि हम यूज़ करें, तो मैं आपको वहाँ यहाँ पर बता दूँ पैसिव का यूज़ करने के लिए, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट के रूप में, और फिर वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव के रूप में, यदि हम इस तरह से एक दो सेंटेंस यूज करते हैं थोड़ा सा इफेक्टिव होगा। तो चीफ गेस्ट के बारे में लिख दिया, हम एक दो सेंटेंस उसके भी लिख सकते हैं, जैसे प्राइजेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द चीफ गेस्ट टू द स्टूडेंट्स, ओके। और लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, द इवेंट, इवेंट का मतलब द एनुअल फंक्शन वाज वेरी, चलो मैं लिख करके बताता हूँ, द एनुअल फंक्शन वाज वेरी सक्सेसफुल, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हुई हमारी गुड रिपोर्ट, प्रोग्रामिक रिपोर्ट। तो अब हम बैड रिपोर्ट के बारे में बताते हैं कि बैड रिपोर्ट क्या है। बैड रिपोर्ट में क्या है, जैसे कहीं आग लग जाना, कहीं एक्सीडेंट हो जाना, तो बैड रिपोर्ट होती है। अब बैड रिपोर्ट में ऐसा तो है नहीं, जो पहले फॉर्मेट बनाया मैंने आपस में लिखे कि वो इतने बजे हुआ और इतने बजे शुरू हुआ और ये हुआ, है उस तरह से नहीं, क्योंकि वो प्रोग्रामिक नहीं है। उसमें क्या होगा, हाँ वो किसी ने ऑर्गेनाइज नहीं किया, उसमें क्या होगा, जैसे कि मान लो एक्सीडेंट होता है कोई, तो क्या लिखेंगे आप, द एक्सीडेंट हाँ टुक प्लेस, कितने कहाँ हुआ, टुक प्लेस, हाँ पहले टाइम एट, यहां पर टाइम डाल देंगे, हाँ और
ओन प्लीज डाल देंगे, ठीक है। क्या डालेंगे? टाइम और प्लेस डाल देंगे, ठीक है ना। किसी रोड पर है, जैसे ऑन ऑन बागपत रोड, कुछ भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो अब इसके बाद में क्या होगा कि एक्सीडेंट के बारे में केवल इतना बता करके कि एक्सीडेंट हुआ। और जो दूसरी बात है, हाँ, जो इसका मैंने फिर बता दिया इसमें कि 3 W's का प्रयोग इसमें भी होगा, वही है क्या, व्हाट व्हेन एंड वेयर, 3 W's का प्रयोग इसमें भी होगा। अब ये तो फर्स्ट में हो गया, एक्सीडेंट हुआ, सेकंड में व्हाट एंड हाउ इट हैपेंड, कैसे हुआ और क्या हुआ, पूरी तरह यू हैव टू राइट द होल इंसिडेंट, द होल एक्सीडेंट इन डिटेल, पूरी डिटेल में लिखना है। और लिखना कैसे है, वही सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के साथ और ऑब्जेक्ट, या हम पैसिव वॉइस का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में जो तीसरा होगा इसमें कंक्लूसिव पार्ट, उसमें क्या होगा, उसमें यह होगा कि कोई गेस्ट आए और उन्होंने उसको क्या क्या हुआ, गेस्ट आए नहीं आए, गेस्ट कैसे आ जाएंगे, अरे भाई ये एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट में गेस्ट आते हैं, इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग जो वहाँ पर थे मदद करने के लिए आए, घायलों को अस्पताल लेकर के गए हैं, उनका उपचार कराया, ठीक है। द इंजर्ड्स वर टेकन टू द हॉस्पिटल, दे वर रेमेडीड, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर रेमेडियल पार्ट लिखा जाएगा। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये जो रिपोर्ट राइटिंग मैंने आपको शॉर्ट में और थोड़े से अपने तरीके से समझाने की कोशिश की है, आई थिंक यू मस्ट हैव ग्रेस्प्ड द ऑल पॉइंट्स व्हाट आई एक्सप्रेस्ड बिफोर यू। ओके, थैंक यू।